हरियाणा के रोहतक जिले के सेक्टर 6 स्थित PEPSI के गोदाम में CM फ्लाइंग फूड एंड सेफ्टी विभाग और गुप्तचर विभाग के संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी की। टीम ने छापेमारी के दौरान गोदाम में PEPSI के प्रोडक्ट एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग की 250 और 300 ml की बोतलों की सैंपलिंग कर गोदाम को सील कर दिया। सैंपलिंग के बारे में जानकारी देते हुए खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर भंवर सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से CM फ्लाइंग को यहां से बिकने वाले एनर्जी ड्रिंक के बारे में कुछ गड़बड़ी होने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते CM फ्लाइंग खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने यहां छापेमारी कर सैंपल लिए हैं, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एनर्जी ड्रिंक के सैंपल लैब में भिजवा दिए गए हैं, जिसमें जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि जो एनर्जी ड्रिंक में जो कंटेंट होने चाहिए वो मौजूद हैं या नहीं, साथ ही संबंधित कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है या नहीं। CM फ्लाइंग है बेसिकली, उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो ये यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर दी गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए, उसी को चेक करने के हेतु जो है आज दो सैंपलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की दो पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैंपलिंग की गई है, और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है, और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए, वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई है। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं, अभी अगर कुछ CM फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, और उसके बाद कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैंपलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती है, विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। बता दें कि सैंपल की रिपोर्ट 15 से 20 दिन में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के पास आ जाएगी, जिसके बाद अगर एनर्जी ड्रिंक में कोई गड़बड़ी मिलती है तो कंपनी के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।